कोनैन का मसजूद है माबूद है तू। हर शह तेरी शाहिद है, हर शह तेरी शाहिद है के मशहूद है तू। तेरी ही फजल व करम पर है मेरा दार व मदार, मेरा मालिक मेरा खालिक मेरा मसजूद है तू। तेरी रबूबियत की अदा को कमाल है, तेरी रबूबियत की अदा को कमाल है, तेरी रबूबियत की अदा को कमाल है, तेरी रबूबियत की अदा को कमाल है। तू रब कायनात है, तू लानवाल है। अल्लाह पर्दा रहा माबूद बंदे में पर्दा रहा।
हजरत से झुक कर कहा, सना लायक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में सारी मखलूक हक नुमा तू ही तू, अल्लाह तेरी शान 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 लाए ला, तेरी शान 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 लाए ला, तेरी शान 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 ला, सागर मागपा मधा पनी दादानी दे दानी दादानी पादा माबा दानी दा, तेरी शान 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 लाए तेरी शान 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 लाए ला, तेरी शान 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 लाए ला, सनी सारे का करे रे निन सारे करे सा, सनी सारे का करे रे निन सारे करे सा, निन सारे का करे रे निन सारे करे सा, निन सारे का करे रे निन सारे करे सा, निन सारे का करे रे निन सारे करे सा, निन सारे का करे रे निन सारे करे सा, निन सारे का करे रे निन सारे करे सा, सर दे दे सर दगा गरे गरे माम गम ग पाप पानी पदा दा पद पानी रे पानी पदा दा ना दा 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 सर दे दे सर दगा गरे ग माम गम पाप पानी पदा दा पद पानी रे पानी पदा दा दा सर दे दे सर दगा गरे ग माम गम पाप पानी पदा दा पद पानी रे पानी पदा दा दा पहुंचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा, अर्श तक मुस्तफा जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में सारी मखलूक में हाँ सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप? आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। मॉर्निंग एट होम का पहला
जुम्मा मुबारक आपके साथ विद जुगन काजम। और सोचा कि क्योंकि जुम्मे का दिन इतना बाबरकत होता है, आज के दिन दिल से मांगी हुई दुआ जो है वो यकीनन कबूल होती है, तो हमें अपने शो का आगाज़ भी करना चाहिए अल्लाह हू से। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने प्यारे भाइयों का। और वैसे तो ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनके दादा और आपके वालिद इतने ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट थे, और आप भी अब उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इनके दादा उस्ताद संतू खान, इनके अब्बू उस्ताद मंजूर हुसैन संतू, एंड अब आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई अली रज़ा संतू खान कवाल हैं, और साथ में इनके सारे प्यारे प्यारे साथी हैं, इनके हमनवा। आइए इनसे भी मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कमर रज़ा संतू हैं, समर रज़ा संतू हैं, फयाज़ अली हैं, नज़र अली खान हैं, बिलाल हुसैन हैं, असद रज़ा हैं, इमदाद हुसैन हैं, अमजद अली हैं, नईम अली हैं, काशिफ अली हैं, यासिर ताहिर, जमशेद अली, आमिर अली और नबील नफीस। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो नहीं सकता था कि अपनी संतू फैमिली को मैं ना इनवाइट करूं जब नए शो का आगाज़ किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने अकोमोडेट किया। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका एक छोटा सा आपको टीज़र ज़रूर दे दूंगी, और उसके बाद ऑफ कोर्स हम अपने ब्रेक की तरफ जाएंगे, और फिर अपने जो आज एक्चुअली गेस्ट से ज़्यादा हमारे पास टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो हमें मोटिवेट भी करते हैं, हमें पुश भी करते हैं, और अगर हम उनको उस्तादों के उस्ताद कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। आज हम बात करेंगे अदब पे, लेकिन पढ़ाई वाला अदब नहीं, एक्चुअल अदब जिसको हम अंग्रेज़ी में रिस्पेक्ट भी कहते हैं, कि अदब कितना अहम है इंसान की ज़िंदगी में, और आजकल की सोसाइटी और कल्चर में क्या अदब का एलिमेंट कम होता जा रहा है, बढ़ रहा है, क्या सिचुएशन है। बड़ी दफ़ा जब शो का नाम मॉर्निंग विद जुगन हुआ करता था तो हम बात करते थे तरबियत पे, और हमेशा यही बात होती थी कि भाई तालीम को अगर हमने एक सिंगल वैल्यू दी तो तरबियत को आपने तीन दफ़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। सो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जुम्मा मुबारक अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है। और अब हम जानने वाले हैं कि आज हमारे किचन में क्या मेन्यू बनने जा रहा है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक आपको भी। अच्छा बेटा बताओ कि आज किचन में हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शो है वो लाहौर से देखा जा रहा है, तो आज मैं सोची थोड़ा लाहौरी तड़का होना चाहिए, तो आज हम चिकन लाहौरी बना रहे हैं। चिकन लाहौरी कढ़ाई। लाहौरी चिकन कढ़ाई कौन सी होती है, इसमें और दूसरी कढ़ाइयों में क्या बहुत डिफरेंस होता है? जैसे कि आपके रेसिपीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, कराची की और होती है, और लाहौर की और होती है, पिशावरी और होती है, शनवारी और होती है, डिफरेंट होती है रेसिपीज। हम लोग तो खैर नीली मिर्चें ही खाते हैं, तो इस वजह से आई थिंक डेफिनेटली एज फार एज द स्पाइस एलिमेंट इज कंसर्न लाहौरी कढ़ाई में ज़रा हाई लेवल होता होगा। और साथ हम स्वीडिश में लेके जा रहे हैं चॉकलेट बाउल्स खाना आज हमें। तो बॉल्स या छोटे बाउल्स? छोटे छोटे बाउल्स होंगे। ओके, और उसमें डलेगा क्या क्या? उसमें हमारा रेसिपी बताऊँ? वैसे पूछ रही हूँ कि वो कोको पाउडर वगैरह साथ ऑयल अंडे ये सब चीज़ें मिक्स। अच्छा, कुक्ड है? हाँ, कुक्ड रेसिपी। चलो चॉकलेट की रेसिपी बता दो ना। चॉकलेट की बात पे तो बंदा फिर कहता है कि उसकी रेसिपी बहुत इजी रेसिपी है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले आपने 80 ग्राम ऑयल लेना है, और साथ आपने 5 अंडे ले लेने हैं, ठीक है। साथ आपने इसमें जो है ना एक कोको पाउडर डाल लेना पैकेट, वो आपने इसको मिक्स कर लेना, और 1.5 कप चीनी डाल के इसको सबको मिक्स कर लेना। फिर आपने इसको चूल्हे के ऊपर ना पका लेना, जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा
साथ साथ आपने इसको ना चेक करना, ज़्यादा ना वो हार्ड नहीं कर लेना, चेक करते रहना। उसके बाद आपने इसमें ना कोई भी बिस्किट लेके साथ आपने वो क्रच करके ना उसके अंदर आपने मिक्स कर देना, फिर उसके बाउल्स बना के फ्रीज कर दें या फिर आप ऐसे खा लें, वो आपकी चॉइस है। ऑसम, कढ़ाई की रेसिपी बाद में लूँगी। मेरा बच्चा आप शुरू हो जाएँ, क्योंकि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा सकते उस पर्सनैलिटी को जिनको उस्तादों के उस्ताद कहें तो बात गलत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई शायद बहुत ही सीनियर एज के शख्स को हम बुलाने जा रहे हैं, लेकिन उनको बुलाने जा रही हूँ, हैं वो बड़े यंग, बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाई, अपनी लाइफ और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम सबको गाइड किया। और जुम्मे का बाबरकत दिन है, बात हमने करनी है अदब की, तो फिर सबसे ज़्यादा बा अदब और बा नसीब पर्सनैलिटी को बुलाना बहुत ज़रूरी है, जो ख़ुद चेयरमैन हैं ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन, यानी कि सैयद कासिम अली शाह हिमसेल्फ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको। प्रोग्राम की बड़ी बड़ी मुबारक, शुरू हुआ बहुत अच्छा और अरसा ही हो गया हमारी प्यारा सेट। मैं तारीफ ये करना चाह रहा था, टीवी पे ये तारीफ करता हूँ, सेट और मेरी बहन और कवाल सब कमाल। क्या बात है, सब कमाल, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वैसे इनका ये सवाल एक्चुअली ये बनता है कि इनका फैन कौन नहीं है। एक्चुअली तो क्वेश्चन ये होता है, कोई है इस दुनिया में जो आपका फैन? सारी अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालता है। मैं समझता हूँ कि जुगन जो बंदा दिल से कर रहा होता है ना, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। आप इस सारी कायनात में जो हुसन देखते हैं, वो हुसन का तो कमाल होता है, अपनी आँख का कमाल होता है, और वो आँख भी अल्लाह की अता होती है। आप मोहब्बत बांटें, आप खैर बांटें, आपको जिस तरह बाज गश्त होती है ईको, इसी तरह जो आपने बांटा होता है वापस आने लग पड़ता है। बेशक, ये तो एक फैक्ट है, जितना दोगे उतना ही ज्यादा आपके पास वापस आएगा। और ये अप्लाई करते हैं अच्छी और बुरी दोनों चीजों को। बिल्कुल ठीक बात, आप गुस्ताखी करेंगे आपके साथ हर बंदा गुस्ताखी करेगा, बिल्कुल मीठा बोलेंगे आपको वापस उतनी मिठास शायद उससे ज्यादा मिल जाए। और इसीलिए तो कहते ना कि जितना आप रकम को और चीजों को तकसीम करेंगे, हाँ जी, उतनी ही आपके दस्तरखान को वसी करो, आपके फाइनेंशियल हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है अदब, तो आपकी नजर में अदब है क्या एट द एंड ऑफ द डे? अच्छा, अदब देखिए, क्योंकि ये लिटरेचर वाला अदब नहीं है ना, ये तो अदब है अदब करना, बिल्कुल जो अदब हमें किसी का करना चाहिए। मैं अदब को अगर एक लाइन में, एक जुमले में कहूँ, तो ये कदरदानी है, वैल्यू देना, और ये वो रिस्पेक्ट है जो बिल्कुल ड्यू है, यानी बनती है, कदरदानी बनती है और आप कर रहे हैं। अब आप अगर कदरदान हैं तो फिर आप देखिए, रोटी के टुकड़े को उठा के चूम के क्यों रखते हैं? ये उसकी कदरदानी है, ये वो रिस्क है जो किसी भी हालत में, किसी भी शक्ल में पड़ा है तो कोई ना कोई खा रहा है। कभी गौर कीजिएगा, वो किसी खेत में है तो चिड़िया उस दाने को चुगती है, वो पिसता है, रोटी बनती, आप खाते हैं। आप सुबह ना, वो आपकी भाभी ने मेरे लिए परांठा बनाना होता है, तो वो कुछ बच जाता है रोज़ ही, मैं पूरा नहीं खाता, मेरी मैंने कोई डाइट मुनासिब सी जो रखी हुई है, तो रोज़ ही जो मुंडेरे पे कौवा है मैं उसको डालता हूँ, तो अब कौवा भी मेरा दोस्त बन चुका है, रोज़ इंतज़ार करता है। मैंने कहा ना, कौन है, कौन है जो आपका फैन नहीं है? कभी भी आपके फैन। उन्होंने वैसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन उन्हें पता है कि जी हमने सुबह हमें ना परांठे का टुकड़ा मिला। जितने भी कभी इस शो को देख रहे हैं, वो प्लीज कासिम अली शाह को लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना कासिम भाई? मुझे वो एक लतीफा याद आ गया, आपकी इजाजत से सुनाता हूँ और थोड़ा सा उसको मैं टर्न कर लूंगा सिचुएशन के मुताबिक। किसी जगह मैं तकरीर कर रहा था तकब्बुर पे ना, गुरूर पे, तो एक मखलूक है, मखलूक खुदा ऐसी है जिसकी गर्दन में सरिया बड़ा होता है, वो बनाई ऐसा, अल्लाह ने बनाई ऐसा, खुदा का करना जुगन। मैं उस पर ना थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था गूगल पे, कोई भी अगर सुनने वाला देखने वाला, मैं थोड़ा सा नाम भी ले लेता हूँ, पिग की बात करूँ, सुअर की बात कर रहा हूँ, तो गूगल पे ना कुछ सर्च करे कि जो पिग है आसमान को देख सकता है, आपको जवाब मिलेगा नहीं देख सकता। पिग के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं, ये वैसे अल्लाह की मखलूक की भी शानें देखें, अल्लाह ने कैसे तकसीम की है, एक तो वो आसमान को नहीं देख सकता और दूसरा वो दूर तक नहीं देख सकता, ये दो प्रॉब्लम्स हैं। आसमान देखना है बड़ा सोचना और दूर तक देखना है विजन। तकब्बुर जहां पर होगा ना, यानी अदब जहां नहीं होगा, वहां दो मसले होंगे, बिल्कुल, एक सोच छोटी होगी और दूसरा विजन कोई नहीं होगा। हर मुतकब्बर इंसान
वो दूर तक नहीं देख सकेगा, बड़ा नहीं सोच पाएगा। और जब बड़ा नहीं सोचते तो दुनिया की कामयाबी की सब किताबों में एक बात लिखी हुई है, वो क्या है, कामयाबी की इब्तदा बड़ा सोचने से शुरू होती है। Exactly. वो तखयुल की ताकत है जिसके जरिए आप सोचते हैं कि मैंने कुछ बड़ा करना है, और वो तखयुल की ताकत के जरिए आप आगे बढ़ते हैं, फिर उस तखयुल की ताकत से दूर तक देखते हैं, विजन। सादी शराजी का वाक्या, आप अंधा भिखारी आया, उसने आके मांगा और कहा कि देखिए मेरी हालत, इस पे तो तरस खाना चाहिए कि आंखों की बिनाई नहीं, आंखों की बिनाई नहीं। सादी शराजी ने कहा कि आंखों की बिनाई वाले पे जो तरस खाना है, उससे ज्यादा मैं तरस उस पे खाऊंगा जिसके पास आंखों की बिनाई है लेकिन बसीरत नहीं है, दूर तक नहीं देख सकता। क्या बात, यानी उसका वो कदम उठाता है, बसीरत वाला साहिब बसीरत कौन है, जो कदम उठाता है और सोचता है इसका अंजाम क्या है। क्या कमाल, आप, आपका मेरा इश्क मौला अली करमला वजह से आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा है। तो जनाब से किसी ने पूछा कि किसी की दानिश, मैं मफहूम में वो वाक्य और वो जुमला बताऊंगा लेकिन मेरा बड़ा पसंदीदा है और मैंने ताज़ा ताज़ा पढ़ा तो मेरे से रहा नहीं जा रहा, लिहाजा मैं ऑन स्क्रीन पहली बार ये कोट कर रहा हूँ। होता ना जी आप रिपीट बात नहीं, नई बात करने लगा आप सबसे। तो जनाब से पूछा कि दानिशमंद कौन है, फरमाया जो एक दिन का हिसाब रखता है वो दानिशमंद है, एक दिन का हिसाब, फरमाया उससे बड़ा दानिशमंद या दानिश्वर, फरमाया हफ्ते का हिसाब पे चल, उसकी आँख एक हफ्ते तक जाती है, फरमाया उससे बड़ा का जी महीने तक सोच लेता है, उससे बड़ा साल तक सोच लेता है, उससे बड़ा कहते उससे बड़ा वो दानिशमंद है जो कुछ ऐसा करता है कि उसकी औलाद उसके बुढ़ापे में कहती है कि अब्बा जी कितने समझदार थे, उससे बड़ा दानिशमंद। फरमाने लगे उससे बड़ा दानिशमंद वो है जिसकी निगाह आखिरत पे जाती है, कदम यहाँ उठाना है और सोचता आखिर को है कि आज का मेरा कदम। फरमाया उससे बड़ा भी कोई दानिशमंद है, ये सातवां दर्जा था, दर्जे से तरतीब वाइज में चलूँ सातवां दर्जा था। फरमाया उससे बड़ा दानिशमंद वो है जो कदम उठाते सोचता है उसकी रजा क्या है। ये इमामों का शिव है, वो कदम उठाते करबला से गुजर जाएंगे लेकिन वो देखेंगे कि इस वक्त राजी वो है, अगर वो राजी है तो यहाँ की तकलीफ भी फिर कुछ नहीं कहती। सो दर असल अदब तो है झुकना, अदब तो है। अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं एक बड़ा अहम नुक्ता जो मेरा आप सबका सुनने वालों का वास्ता पड़ता है, एक आर्टिफिशियल दुनिया भी है जो किबला काबा हजूर आली जहाँ जिनकी डिक्शनरी में है, अदब कोई नहीं होता। अदब लफ्जों का मोहताज ही नहीं है, खुदा की कसम लफ्जों का। आपका बच्चा पैदा होता है चंद दिन का होता है, माँ को प्यार आता है, वो कब कहता है आई लव यू मामा, अभी कब नहीं होता आपको प्यार आ रहा होता है, क्यों आ रहा होता है, एक ऐसी कम्युनिकेशन बिल्ट होती है जो जुबान के जरिए नहीं है, जुबान के बगैर भी कम्युनिकेशन होती है और 93% होती है। सो मुद्दम इंसान 100 लोगों में खड़ा पहचाना जाएगा। अच्छा आपकी मैं बात पे वापस जाना चाहूँ, जी जी, आपने कहा कि अदब का एक दर्जा एक एलिमेंट ये भी है कि रोटी के टुकड़े को चूम के हमने रख दिया, लेकिन फिर जो हम जो शख्स हमारे लिए वो रोटी तैयार करता है हम उसके साथ अदब से क्यों नहीं पेश आते। अब यहाँ पे दो लोग आ जाते हैं, ये हो गई या तो घर में जो भी खातून बना रही है रोटी या फिर जो भी आपके घर में काम कर रहे हैं लोग, ये दो सबसे ज़्यादा अदब के पॉइंट ऑफ व्यू से निग्लेक्टेड लोग होते हैं। हम कह तो देते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत है लेकिन माँ के लिए हमने घर बनाया होता है जहन्नुम। माँ के पैरों तले जन्नत है लेकिन हमने माँ के घर को बनाया होता है जहन्नुम। तो मुझे एक बात बताएं कि ये अदब क्या सिर्फ रब ताला या फिर उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में जिनको कहते हैं ना जिनकी वैल्यू है, तो ये भी मुझे बड़ा बॉदर करता है ना कि किसकी वैल्यू है तो किसकी नहीं है, कौन फैसला करेगा। सही, तो ये वाला मुझे जरा एक क्लैरिटी देना, अदब क्या सिर्फ कासिम अली शाह के लिए है सबके लिए, भैया आपके लिए, क्योंकि आप लोग सेलिब्रिटीज हैं, स्टार्स हैं, मतलब एक नोन पर्सनालिटीज हैं, तो क्या अदब सिर्फ आप दोनों के लिए है सेट पे, अननोन कहां जाएगा। सही जी, क्या बात, अच्छा देखिए कमाल कमाल अदब बता दिया गया है, माड़े का ज्यादा अदब है, माड़े का क्यों, उसके पास तो रब के अलावा है ही कोई नहीं, जिसके पास कख नहीं उसी के पास सब है, उसका तो भरोसा ही रब पे है, वो तो बेबसी। मुझे किसी ने बड़ी एक शानदार बात कही, मैंने तो इसको ना अपनी डायरी पे कहीं लिखा, उसने कहा शायद काबा के बाद सबसे ज्यादा तड़प के जो दुआएं की जाती हैं वो जेल में की जाती हैं क्योंकि बेबसी होती है, बेशक बेबस बंदा जो दुआ करता है ना, तो जो बंदा माड़ा है वो ज्यादा कदर के लायक है। अच्छा अब दूसरी बात देखिए, हुक्म फरमाया गया 70 बार अपने मुलाजिम को माफ करो, क्यों है 70 बार का हुक्म, 70 इनफिनिट टाइम, भाई उस बेचारे की बदकिस्मती के एक सख्त मालिक उसके गले पड़ गया है, उसका क्या कसूर है और उसका क्या कसूर है, और तुम्हारा क्या कमाल है कि तुम मालिक बने बैठे हो,
तो ये इंसान का जुगन असल चेहरा तब सामने आता है जब वो किसी माड़े के सामने खड़ा होता है, मोहताज के सामने खड़ा होता है, डिपेंडेंट के सामने। अब बीवी क्योंकि डिपेंडेंट होती ना आम तौर पे घरों में खावंद की, तो असल चेहरा खावंद का तो वो है जो बीवी के साथ उसका एटीट्यूड है, जो बच्चों के साथ एटीट्यूड है, जो दोस्तों के साथ, जो उस पर डिपेंडेंट है उन पर। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, जो बंदा अपने मुलाजमों के साथ अच्छा नहीं है ना, वो किसी के साथ भी अच्छा नहीं। भैया मैं अब आपके इंसिडेंट सुनाने से ना मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी अपने घर वाकई आता हूं, तो मुलाकात भी आपसे मेरी इतनी देर की ब्रेकों के बाद आती है। पिछले दिनों मैं गाड़ी में साथ बैठी हुई थी किसी के, मैंने नहीं, ऑब्वियसली इंसान को पर्दा डालना चाहिए अगर किसी में कोई ऐप भी हो, तो मैंने नोटिस, तो हम गप्पे लगा रही थी, एक और खातून थी मेरे साथ, हम वैसे गप्पे लगा रहे हैं और हंस रहे हैं व्हाटएवर, तो एकदम से ना एक शख्स आया खिड़की पे, उसने खटखटाया, फकीर तो खटखटाता गया बेचारा, वो थोड़े एज के भी थे अंकल और जो भी था, खटखटाई जा रहे हैं। अच्छा उन्होंने ना इरिटेट होके, अच्छा मैंने देखा कि निकाले 500 रुपए और उनको पकड़ाए और मुंह से क्या निकला, अब दफा हो जाओ यहाँ से, दिए आपने 500 रुपए, लेकिन इतने इतनी बेअदबी से, इतनी गुस्ताखी के साथ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा तो, मैं तो सुन हो गई, मैंने कहा ना ही देते। क्या बात है, जुगन दरवेश ये कहते हैं, अल्लाह वाले क्या बात है, ये कड़वे 500 रुपए थे ना, मीठे 10 रुपए दे देते। मीठे में वही तो कह रही हूँ ना कि ना देती, मगर अगर देना भी है और साथ में अगले को इस तरह से अल्लाह माफ़ी दे, जिस तरह लानत भेज के उस शख्स को पैसे दिए, मेरी तो रूह कांप गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। वैसे कोई अच्छा फकीर होता वापस कर देता, कहता रख लो तुसी। मैं लड़ने जा रहे, अंकल की जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही थी वो लग रहा था कि उनको दरवेश कहते हैं कि सखी जो है ना, सखी से छीन के खा लो और बुखील दे भी तो ना खाओ, हजम नहीं होना। बिल्कुल, मैंने यही सोचा, मैंने क्या करेंगे इस 500 के साथ, इसके टोटे टोटे करके इसको आग लगाएंगे, क्या करेंगे। तो कहता हूं नजर नियाज भी दे तो ना लो भाई, उसके हजम नहीं होने, उसकी वजह यह है कि उसमें, उस पैसों में एक तकलीफ है, उसमें मोहब्बत नहीं है। और सखी के तो थोड़े से भी बड़े हैं, वो तो थोड़े से भी बरकत वाले हैं। हमारे ये पर्स में ना चीजों में कई जगह पे वो अदब वाले, मोहब्बत वाले, दादियों के पैसे पड़े होते हैं। मेरे पर्स में निकल आएंगे, मेरे डॉर्स में निकल आएंगे, मेरे किसी लॉकर में निकल आएंगे, यार ये दादी ने, नानी ने, सखी दादी नानी ने दिए थे। तो दरअसल तो अदब जो है ना वो है माड़े का। अच्छा मैं तो यहाँ तक कहता हूँ एक कख होता है ना जुगन, उसकी भी कदर ना की जाए ना, वो आंख में पढ़ के बताता है मैं हूँ कख, वो बताता है कि तुम्हें अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया है, तुमने नहीं समझा कि कख कुछ होता है, कख भी बड़ी चीज़ होती है। एक मेरे दोस्त की ना इन्फेक्शन एक दफ़ा आँख में हो गया, उसने मुझे वाकया बताया, वो बड़ी डिस्टर्ब, वो ठीक ना आँख सूंच के, पंजाब में कहते पड़ोपा बन गई, इतनी आँख बन गई। तो वो जनाब वो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको देखा माइक्रोस्कोप से, जुगन पता लगा एक मच्छर आँख में गया था जो निकाल दिया, उसका पर चिपका हुआ था, मच्छर के पर से एक इन्फेक्शन चला है और आंख पड़ोपा बन गई है। और आप लोग मच्छर को कितना हल्का लेते हैं, हम मच्छर को हल्का लेते हैं, उसके पर की भी ये वैल्यू है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जो कदरदानी है वो तो हर चीज की। अच्छा उससे कदरदानी की शक्लें मैं बता देता हूँ, वक्त बड़ी कदर वाली चीज है, बेशक गुजर जाए नहीं आता, जो गुजर गया जुगन पीछे मुड़ के देखें गुजर गया ना, अब वो नहीं आ सकता। यानी कि वक्त का भी अदब करो। अल्लाह के बड़े बड़े इनामों में से जो कदर वाली चीज है वो वक्त है, उसकी भी कदरदानी, उसका भी अदब है। अच्छा बच्चों का भी, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त उस्ताद, बड़े मोहतरम, बड़े भाइयों की तरह डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, डॉक्टर साहब बड़े प्यारे इंसान, वो कहते हैं अपने बच्चों का अदब करना चाहिए। वो किसी ने बड़ा तनकीद की जी बच्चों का अदब, उन्होंने कहा जी ये बच्चों को आप अदब सिखा ही अदब करके सकते हैं। भैया आप अपने बच्चे को अगर तुम करके बात करेंगे तो आप उसको किस तरह बच्चे को समझाएंगे कि आप करके आपने कासिम मामू से बात की? बिल्कुल सही, मैंने हमेशा अपने बच्चों को आप करके बात की है, तो मुझे मेरी फ्रेंड्स हंसती है और कहती है तुम ना अजीब, ये फिल्मी सी हो गई हो मीडिया में काम करके। मैंने कहा ये पॉइंट नहीं है, अंग्रेजी में तो जिस तरह फ्रेंच में वो एंड टू फॉर्म होती है, तो उसी तरह हमारे यहाँ तुम, तू और आप है, मतलब तू तो पंजाबी हो गया ना, बट तुम और आप की फॉर्म है। तो आप अपने बच्चों को आप कहेंगे तो वो आगे से आपको आप कहेंगे ना, और फिर अगलों को कहेंगे, कहना आपने उनको तुम में और मुंह से निकलवाना है आप, नहीं होता भैया। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा मैं ये भी कहूँ कि ये एक्सपोज हो जाता है कि घर में जो असल में कल्चर है ना उसके असल मुहाफिज तो बच्चे हैं। वो रिकॉर्डिंग हुई होती है कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाती है,
अच्छे खासे फंक्शन में एक बच्चा एक ऐसा जुमला बोलेगा जिससे पूरे घर का कल्चर, खिड़की खुलेगी, देख के थोड़े से चावलों से पूरी देख का पता लग जाएगा, पता लगेगा कि दरअसल जो है ना वो जो अदब ये करते हैं वो ड्रामेबाजी है, असल में कोई अदब शदब कोई नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ अदब, अगेन एंड अगेन ये कहूँगा कि लफ्ज़ों का भी मोहताज नहीं है। आपके अंदर अगर अदब है ना, आपको खुद ही देखिए, मोहब्बत करने के बाद कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेनी पड़ती कि आप किस तरह कदरदानी करती, सारी ट्रेनिंग खुद ही हो जाती है। मोहब्बत होने के बाद आपको वो लैला के गली के कुत्ते की भी कदर करनी आ जाती है, क्योंकि लैला के गली का कुत्ता होता है ना वो, तो हवाला जो है ना वो चीज़ों को, नस्बत चीज़ों को बड़ा बनाती है। नस्बत देखें, एक हजरा अस्पत एक पत्थर है, दुनिया में कितने पत्थर हैं, कितने पहाड़ हैं, एक पत्थर की नस्बत ऐसी है कि उसको चूमा जाता है, उस पर माथा लगाया जाता है, उसको चूमा जाता है, उसको अदब से ऐसे करके ऐसे माँ सद के किया जाता है कि वो एक नस्बत वाला पत्थर है। तो आप चीज़ों की नस्बत से अदब करते हैं। अच्छा, एक अदब का एक और शोबा जो कि बड़ा ही अहम शोबा है और मेरा अपना शोबा है, वो है उस्ताद और शागिर्द का। बेशक जुगन, मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी शागिर्द, ये है सीखने और सिखाने वाली, आप सबकी भी लाइन यही है, मेरी भी यही है, सीखने सिखाने की लाइन में जिससे आपने सीखा है अगर आप उसका अदब नहीं करते, आपके इलम में वैल्यू नहीं होगी, उसमें बरकत नहीं रहेगी। इलम होगा आपके पास, इंफॉर्मेशन होगी, फन होगा, आप कहेंगे पता नहीं क्या चक्कर है, फन है लेकिन क्लिक नहीं कर रहा। क्लिक बंदा जो करता है ना जी, वो आप अमीर खुसरू बने बगैर नहीं कर सकते। आपको निजामुद्दीन औलिया फिर चाहिए, फिर जूतियों को ऐसे खड़ाओं को सीने से लगाना पड़ता है, फिर चूमना पड़ता है आपको। वही तो बात है ना, टू बी अ ग्रेट टीचर यू हैव टू कंसिस्टेंटली रिमेन अ स्टूडेंट, यानी कि अगर आप सारी जिंदगी स्टूडेंट रहेंगे तो तब ही आप एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं। खूबसूरत बात। आप तब तक, वो कहते हैं ना, आप तब तक किसी का दुख नहीं समझ सकते जब तक आप उससे खुद नहीं गुजरते। तो अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट, या वो जो कहते हैं ना साथ, भूल गई उर्दू का, मतलब आप अपने साथीसा की रिस्पेक्ट ही तब करेंगे जब आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे और फिर आप खुद एक अच्छे टीचर बनेंगे। देखिए, अब मैंने कासिम भाई को, चाहे छोटा सा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, और वो पूरा एज ग्रुप जो उसके बीच में गुजरता है, मैंने कभी इनको किसी से लाउड आवाज में बुरे तरीके से, बल्कि आप इनका, इनके बच्चों की और इनकी वाइफ की तरफ रवैया देखें, एक्चुअली मैं इनकी फॉलोअर तब बनी, फॉलोअर ही कहूंगी, उसे बेहतर कोई वर्ड नहीं होगा, फॉलोअर मैं तभी बनी जब मैंने देखा कि इनका भाभी की तरफ क्या एटीट्यूड था और अपने बच्चों की तरफ। और वो हमारी एक बड़ी पब्लिक स्पेस में हुई थी जहाँ पे इंसान इरिटेट भी हुआ होता है, 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन मजाल है कि इनके माथे पे एक भी, वो जो कहते हैं ना कि लाइन आई हुई हो टेंशन की। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात कर रहे हैं अदब की, बाअदब बानसीब। हाँ व्यूअर्स, जुमा मुबारक। और वैसे तो उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ हैं, और अब हम एक ऐसी बहुत ही प्यारी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहे हैं, जो ख़ुद भी एक बहुत बेहतरीन पोइटेस हैं, टीवी होस्ट हैं, राइटर हैं, कॉलम नगार हैं, रिसर्चर हैं, और इन सब करोड़ चीज़ों के साथ साथ आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर जनरल हैं और रेडियो चैनल FM 95 की भी स्टेशन डायरेक्टर हैं। बेसिकली दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो डॉक्टर सुगरा सदफ ने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, अब आपको देख के ज़्यादा ठीक हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहिबा को ना मैं जिधर भी जाती हूँ बड़ी खुशी होती है। मैंने इनको एक बात इनकी देखी, और मैं जब प्राइवेट सेक्टर में ये 2-3 साल काम किया, तो जब भी डॉक्टर साहिबा को बुलाते थे ना कासिम भाई, इनका आगे से यही सवाल होता था, PTV वापस कब जा रही हो? क्या हो गया डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल, अब तो छोड़ दिया, तो कहती है नहीं तुम वापस जाओगी। ले जी डॉक्टर साहिबा, ऑन एयर मानती हूं, मशीन गई हमारी, कामयाब हो गई। तो यानी कि अब आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। दुआएं दुआएं दुआएं। मतलब सब कुछ तो आपने कर लिया, क्योंकि आपके आने से रौनक जो लगती है ना PTV में,
और फिर हमारे चक्कर लगते हैं, मुलाकातें होती हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और लाहौर आपको पता है एक मरकज़ है पूरे पाकिस्तान में इल्मी अदबी हवाले से, तो फिर इस प्रोग्राम में जो खूबसूरतियाँ नज़र आती हैं उसको हम मिस करते हैं। और आपकी शख्सियत भी माशाल्लाह आपको मिलकर हमेशा एक खुशगवार तासर उभरता है और किसी को देख कर खुशी हो ये भी बड़ी गनीमत है आजकल के दौर में। अच्छा, आप दोनों से मैंने एडवाइस भी लेनी है जी। आज के शो में बुलाने का एक मेजर पर्पस ये भी था कि क्योंकि हमारा ये फर्स्ट 2-3 डेज ऑफ द शो है, आज थर्ड डे है ऑफ गोइंग लाइव, तो कासिम भाई आपसे बात शुरू करेंगे। आप क्या देखना चाहते हैं सुबह के वक्त मॉर्निंग शोज में? मैं एक्चुअली जेन्यूनली, देखिए हमने अपनी म्यूज़िक के वर्ल्ड के कुछ लोगों से भी मशवरा लिया, हमने कुछ अपने आर्टिस्ट से भी लिया, लेकिन बात यह है कि हम ये जो एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है इसको इग्नोर नहीं कर बिल्कुल सकते। ठीक कह रहे हैं, तो भैया क्या देखना चाहते हैं? देखिए मैं तो इसको ना साइकोलॉजी के एक बैकग्राउंड से जो मेरा कम से कम मुताला मैंने पढ़ा है, पहले दिन के 2-3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, जैसे एक जहाज ने उड़ना है रनवे से, उसकी डायरेक्शन मैटर करती है और चंद डिग्री के फर्क से उसकी मंजिल का फर्क पड़ जाता है। आपके पहले जो दिन के 2-3 घंटे होते हैं उसमें होप होनी चाहिए, खैर की बात होनी चाहिए। आप देखें ना, सारी सुबह की दुआएं निकाल लीजिए, क्या है, उम्मीद पे मबनी है, खुदा की हम्द पे मबनी है और इस यकीन पे है कि मेरा तवक्कल उस पे है, मेरा पूरा भरोसा उस पे है और आज का दिन मेरा खैर का दिन गुजरेगा। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते थे तुसी दिन नु सुबह सुंघ के शुरू करया करो। सुंघने का वर्ड था, स्मेल करके। तो वो हम कहा करते थे इसका मतलब क्या है, वो फरमाया करते थे कि दिन जो होता है ना वो पहले 2 घंटों में ही पता लग जाता है कि आज का दिन होना कैसा है। ये श्वाएं ये कहीं ना कहीं महसूस होता नहीं, बट 100% कासिम भाई सुबह अगर आप अजीब से या बुरे मूड में जागें या आपकी तबीयत जरा सी भी खराब हो तो आपका पूरा दिन जो है कोई शक नहीं, वो जो कहते हैं ना ऑफ गुजरता है। बिल्कुल सही, जैसे इंसान ऑफ सेंटर नहीं हो जाता, ऐसा ये ऑफ सेंटर गुजरता है। तो होप की बात हो, खैर की बात हो और कुछ सीखने को हो, ये बड़ा जरूरी है। जुगन की इस वक्त ना एक जैसी चीजें बहुत जगह हो रही है, एक ही तरह के मौजूदात है, एक ही तरह की चीजें हैं। कुछ हटके अगर किया जाए, कोई हट के मौजू हो, कोई रवायत से हट के बात की जाए, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है कि आप देखें ना, यू बीइंग द चेयरमैन ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन, यू बीइंग यू नो डायरेक्टर जनरल एंड देन उसके अलावा स्टेशन की भी, मतलब आप दोनों पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, आप लोग अपनी चीज़ों को कैसे रन करते हैं, आप हमें बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपने रेडियो की बात की तो मैं रेडियो पे स्पेशली जब घर से आती हूँ तो कोई गाना लगा हो ना बहुत उदास करने वाला या दुखी हिम्मत हारने वाला, तो मैं फौरन उन्हें कहती हूँ कि सुबह के वक्त ऐसे आप कवालियाँ चलाएँ, ऐसे म्यूज़िक चलाएँ कि जो होप दे लोगों को, उम्मीद दे, चैलेंज कबूल करने की हिम्मत दे और काम करने का हौसला दे। क्योंकि सुबह के वक्त आपने जाके पूरा दिन गुजारना है, उसमें आपने काम करना है और उसमें आपने कोई कंट्रीब्यूट करना है। अगर सुबह ही आपने रोना पीटना शुरू कर दिया और दुखों की और ऐसी खबरें देखनी शुरू कर दी जो आपकी हिम्मत को डाउन करती हैं, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। आपने तो एक नया वलवला लेकर जाना है और कामयाब होकर आना है, ये आपने सोचना है कि मैं अब घर से निकल रहा हूँ जिस तरह एक मजदूर घर से निकलता है कि मैंने शाम को मजदूरी लेकर आनी है जिससे मेरे बच्चों का गुजारा होगा। तो इसी तरह मेरे ख्याल है हर फील्ड का बंदा, आप हूँ, मैं हूँ, शाह साहब हूँ, कोई भी बंदा हो, तो हमारे भी काम डिटर्मिंड होते हैं कि हमने ये काम करना है तो उसमें रोजी रोटी को हलाल करना है। रोजी रोटी तो उसमें मेरे ख्याल है कि जो तरबियत का एक डॉक्टर जिस तरह कासिम अली शाह साहब ने भी कहा कि एक ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए कि हमने खैर की तरफ चलना है, पॉजिटिविटी की तरफ चलना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और किसी के लिए अगर बेहतर काम कर सकते हैं तो करें लेकिन नुकसान ना पहुंचाएं। ये भी एक हमारी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, देखिए ना, इसीलिए हमने ये एक नया ये परसों नूरुल हसन नूर भाई थे शो पे, तो नूर भाई से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि कोई एक अच्छी बात, कोई प्यारी बात, कोई पते की बात के साथ, जिस तरह मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब द किंग ऑफ मॉर्निंग शोज इन पाकिस्तान, द पाइनियर ऑफ मॉर्निंग शोज इन पाकिस्तान, वो एक छोटी सी पिटारी एक चीज़ होती थी उसमें से एक पर्ची निकालते थे और हर रोज एक कोई पते की बात या एक प्यारी सी बात या छोटी सी बात जो है वो व्यूअर्स के साथ शेयर करते थे। तो इसीलिए हमने भी यही सोचा है कि हर रोज एक अच्छी सी बात से शुरू करेंगे, जैसे कि बाद नसीब एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और जिंदगी में अगर हम इस चीज को लेके चलें। और फ्राइडे को क्यों ये बात की, क्योंकि सैटरडे और संडे को शो ये वाला लाइव नहीं होगा, तो 2 दिन सोचें इसके बारे में और सिर्फ सोचें ना, उसको अपने अमल में भी लेके। अच्छा, अदब तो अपनी जगह है लेकिन उसके साथ बिहेवियर की भी तो एक वैल्यू होती है।
बिहेवियर्स के बारे में आप क्या कहें? अच्छा देखें जुगन, बिहेवियर दरअसल एटीट्यूड का 10% बिहेव है ना, आपने करके दिखाया है। असल में तो आपका वो रवैया जो आपने रखा हुआ है किसी खास सिचुएशन में, मुश्किल हालात में, वो सामने आ गया। बिहेव तो हम अपनी पर्सनैलिटी की मदद से कर लेते हैं। हम अच्छा बोलना, इखलाक से बात करना, ताकतवर को देख के झुकना, माड़े को देख के उसके सर पे चढ़ जाना, ये सीख जाते हैं कहीं ना कहीं। असल पावर आपकी वो नीयत की, इंटेंशन की और एटीट्यूड की है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की पते की बात बताऊं, ये भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डिस्कवर बंदा करता है इर्तका के अमल से गुजर के। मैंने बड़ी ना एक लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी जिसमें बताया गया कि नासा जो भर्ती करता है अपने यंग साइंटिस्ट को, वो MBTI की बुनियाद पे करता है। ये टेस्ट है बेसिकली, दुनिया में मॉडर्न टेस्ट पर्सनैलिटीज़ को जानने का MBTI है। और उन्होंने कहा कि इस तरह की हमें पर्सनैलिटीज़ चाहिए। और उन्होंने ढूंढा कि अल्लाह ने इंसानों को 16 किस्मों में तकसीम किया। अच्छा, अब ये जो 16 किस्में हैं, उन्होंने देखा कि जो एक किस्म का बंदा है ना, वो दूसरी तरह का हो तो सकता है लेकिन असल में नहीं होता। ये जो मिसाल लीजिए बोलने वाला चुप कर जाता है, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको फ्लेक्स कह लें, इसको EQ कह लें, इसको बर्दाश्त कह लें। कोई बंदा है जो इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव, वो अपनी सेंसेस को इस्तेमाल नहीं करता, इंट्यूटिव रहता है। अगर वो सेंसेस को करता है तो उसका फ्लेक्स है। मैं हैरान हो गया ये सारी बातें जान के पढ़ के। 1400 साल पहले हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमा दिया, तुम्हारी अकल की ज़कात ये कम अकल के साथ गुजारा करो। और आज किताबें बता रही हैं कि 85% कामयाबी का किरदार आपकी बर्दाश्त के साथ है, आपके रवैयों के साथ है, आपके एटीट्यूड के साथ है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। आप गुस्से को कैसे काबू पाते हैं, हम ये अभी सेट पे आने से पहले बाजी में तस्करा कर रहे थे कि बाज़ लोग आपको हिट करते हैं, रियली डैमेज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, पोस्टें लगाते हैं, वहाँ पर आपकी आला जरफी आती है। जब आपकी बारी आए तो आपने कितना बर्दाश्त किया, कितना दरगुजर किया, वहाँ से आप बड़े होते हैं। यकीन कीजिए अचीवमेंट बड़ा नहीं करती बंदे, बर्दाश्त बड़ा करती है। बट ये देखे ना भैया, हमने तो ऐसे भी देखा है कि बिल्कुल ऑन एयर जाने वाले हैं, एकदम से कोई आपको मिलेगा, और ख्वातीन के साथ ये बड़ा होता है, मर्द हज़रात के साथ भी मैंने नोट किया कि साथ में अगर ऑन एयर जाना है ना, तो एक 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 पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स होता है, इश्यू होता है, एकदम से हाय ये कपड़े पहन के आप, अच्छा ये ही आप, अच्छा ये पहनेंगी आप, बस इतनी सी बात कह दी, अगले का बेड़ा ही गरक कर देते हैं। मिलते ही हाय अल्लाह कितनी मोटी हो गई। अब जिस तरह मुझे पता है कि मुझे आजकल वेट चढ़ा हुआ है, आई एम अवेयर ऑफ दैट। ये तो नहीं है कि मुझे नहीं नजर आता शीशे में, मुझे पता है कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मैंने वेट अपना रिड्यूस करना है, मेरा बढ़ जाता है, मैं कम भी कर लेती हूँ। बेटी के बाद जरा मैंने स्ट्रगल किया है, तो बड़ी दफा ऐसा होगा कि बिल्कुल ऑनर जाने से पहले कोई घूम के कहेगा जरा ज्यादा मोटी नहीं लग रही। अब आप कर क्या सकते हैं? मुझे एक बात बताए कासिम भाई, 2 मिनट पहले ऑन एयर जाने से या 15 मिनट जाने से पहले ना तो कपड़े बदले जा सकते हैं, ना लुक चेंज हो सकती है, ना कुछ और। तो अगले को हम क्यों डाउन करते हैं? डाउन करने के लिए एक तो होता है ना कि रिस्पेक्ट के साथ पेश आना, एक होता है कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में ही आपका बेड़ा ही गर्क कर देना। अच्छा जुगन, अभी शाह साहब ने रवैयों की बात की, तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ रवैयों का जो है ना, उसमें पॉजिटिविटी का बड़ा फुकदान है। अगर आप कवानीन के हवाले से देखें, ख़वातीन के हवाले से, तो हमने इतने कवानीन बनाए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्योंकि हमारे रवैये नहीं बदलते ना। हम रवैयों के हवाले से आप किताबें पढ़ लें, इतने अच्छे अकदार हैं मजहबी हवाले से, अखलाकी हवाले से, समाजी हवाले से, लेकिन हमारे रवैये, हम रवैये बदलने को तैयार ही नहीं हैं। हम लिख लेंगे, तकरीर कर लेंगे, लेकिन अमल नहीं करेंगे, ना अपने ऊपर हम उसको लागू करेंगे, ना अपनी औलाद के ऊपर, ना अपने इर्द गिर्द वालों पे। तो आपकी जो बाद नसीब की बात है, उसको मेरे ख्याल है कि हर फर्द को अपनी ज़ात पर लागू करना चाहिए। कि कभी मैं, हम बातें कर रहे थे शाह साहब और मैं, हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है बहन भाई, मुहावरा तो कुछ और है कि बाद नसीब, यही है, यही है। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो है ना करम है खुदा का, इज्जत कर्म से मिलती है, शोहरत कर्म से मिलती है, दौलत कर्म से मिलती है, आप दूसरों से छीन नहीं सकते। और आप हसद ना करें, क्योंकि ज़्यादातर जो मसला पैदा होता है बदतमीज़ी का, बेअदबी का, वो हसद से पैदा होता है। अगर आपको अल्लाह ने अच्छी पोजीशन दी है तो ये अल्लाह का करम है आपको। जब मैं आपकी मुखालफत करती हूँ तो मैं एक तरह से गुनाहगार हो रही हूँ कि अल्लाह ने आपको एक पोजीशन दी है और मैं क्यों आप मुखालफत कर रही हूँ आपकी। और बाकी जो शाह साहब ने कहा कि 16 किस्म की है, तो अरस्तू ने देखे कबल मसीह में कहा था कि हर इंसान बराबर नहीं है,
सब इंसानों में खुदा ने मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें रखी हैं। किसी को किसान बनाया है, किसी को गुलूकार बनाया है, किसी को साइंसदान बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, किसी को हमारे जैसा बातें करने वाले बंदे बनाया, जिसको दूसरों को हमने बताने आपने आपको कंपेयर बनाया, तो इसलिए उसने निज़ाम चलाना है। हम सबको अपने अपने दायरा कार में काम करना है। हमें ये नहीं करना कि अगर शाह साहब कामयाब हो रहे हैं तो मैं उठ के कहूँ कि मैंने ये भी काम करना है, मैंने वो भी करना है। तो ये अगर हम समझ जाएं ना, ये खुदा की तकसीम जो है बहुत ही खूबसूरत, तो हम सब का अदब करने लग जाएं और अदब करेंगे तो उसी से ज़िंदगी बनेगी। तो बड़े बाअदब अंदाज में अब आप क्या पेश कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा मौजू है। इस हिसाब से मैं नात शरीफ है, नात शरीफ तो तमाम ही जो भी नात गाते हैं पढ़ते हैं वो उसका तो मिसाल ही नहीं है। वो बड़ी बेमिसाल हस्ती के बारे में उनकी तारीफ़ है। तो बड़ी मशहूर ज़माना एक नात शरीफ है जनाब नुसरत अली खान साहब की, इस कर्म का करूँ शुक्र कैसे अदा। वाह वाह, वो पेश कर रहे हैं। और यहाँ पे कासिम भाई, मुझे पता है कि आपने दौड़ जाना है, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से कासिम भाई को पकड़ पकड़ के थोड़ी थोड़ी देर के लिए लेके आते हैं, लेकिन मेरी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा मुझे नहीं छोड़ेगी। कासिम भाई थैंक यू सो मच। ये जो पहला वीक था इसमें आप दोनों का इस सेट पे कदम रखना दुआओं के साथ बहुत इम्पोर्टेंट था। सेट बहुत ही खूबसूरत, नहीं वो सेट तो है बड़ा खूबसूरत, क्योंकि हमारी समीर नहीं इसी की वजह से उन्होंने सेट बनाया, वो भी बड़ी प्यारी है और वो बहुत ही एक अमेजिंग पर्सनालिटी है, जिन्होंने बड़े दिल से बड़े प्यार से, वो तो खैर जो भी डिजाइन करती है बहुत आला डिजाइन करती है, हम पूरे सेट डिजाइन का डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रिया। लेकिन कासिम भाई ब्लेस यू, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सुन के। लेकिन आप जाएंगे बड़ी नवाजिश। ओके छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे आपको सुनते सुनते। Shukr kaise ada,
तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजरी हो गई। शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं। अता किया मुझको दर्दे उल्फत, किया मुझको दर्दे उल्फत, अता किया मुझको दर्दे उल्फत, कहां दिए पुरखता की किस्मत, कहां दिए पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहां था काबिल, मैं इस करम के कहां था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है शुक्र कैसे सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। लम्हा लम्हा मुझको दर्दे उल्फत, अता किया मुझको दर्दे उल्फत, कहां दिए पुरखता की किस्मत, कहां दिए पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहां था काबिल, इस करम के कहां था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता हर गम से रब ने बरी कर दिया, सजाता था सरकार की मैं, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया।
back from the break, viewers. एक और बहुत ही प्यारे भाई, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी हम सब बहुत रिस्पेक्ट और बहुत उनकी रिगार्ड करते हैं, हम क्या सारी दुनिया करती है, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी जो प्रोफेसर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर हैं, उसके अलावा चेयरमैन ऑफ द पर्शियन डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी रह चुके हैं और अब द प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तो यू नो प्रिंसिपल का नाम आता है तो खड़े होकर दिल जाता है, ये वाला नहीं ऐसे वाला सलूट करें, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने मेरे भी सोशल मीडिया पे अपने कमेंट्स भी शेयर किए, इतने प्यारे। एक जो हम बात कर रहे हैं अदब से रिलेटेड, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर चाहूँगी, बिकॉज आपके आपका अपना एक इतना लविंग और पॉजिटिव और हम्बल एटीट्यूड होता है हर इंसान की तरफ, चाहे आप कार्ड से बात कर रहे हों एट द चैनल या जो हमारे इस जगह को साफ सुथरा रखते हैं प्यारे भाई बहन वो हों, होस्ट हों, कोई भी हो, आपके साथ मैंने आपका मैंने एक ही रवैया और एक ही तरीका देखा है लोगों के साथ पेश आने का। बुनियादी तौर पर जो हमारे उलमा और सूफिया हैं उनका कहना है कि अदब एक बहुत ही जामे लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है, इसमें उसूल है, ज़ाबता है, अखलाक है, कानून है, कायदा है, जिसको हम प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, एथिक्स भी इसी में आता है, अखलाकियात भी अदब है, तसव्वुफ़ के बारे में कहा जाता है कि तसव्वुफ़ रूहानियत वो सारी की सारी है ही अदब पर मबनी, मजमूए आदाब जो है उसको हम अखलाकियात कह सकते हैं और तसव्वुफ़ कह सकते हैं। अदब हमें ये बताता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को या किसी भी माहौल को हमने कैसे रखना है, उसके हम पर क्या हुकूक आयद होते हैं और हमारे उस पर क्या हुकूक आयद होते हैं, छोटे और बड़े में जो तमीज़ है, उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक़ है, माँ बाप का, बहन भाइयों का, दोस्त अहबाब का जो आपस में रबता है, उसमें हमारा दायरा कार क्या है और हमने उसको कैसे मलहूज़ रखना है और उसको वायलेट नहीं करना है, ये अदब है। उसी अदब की एक शाख है जो बड़ी हमने नुमायाँ कर ली है, जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, उसको हमने एक टर्म बनाकर वो इस्तेमाल किया है। इस अदब का हमारे दीन से गहरा ताल्लुक़ है, हमारी समाजी ज़िंदगी से, हमारी मुआशरती ज़िंदगी से और हमारी दफ्तरी ज़िंदगियों से भी। हम जहाँ कहीं भी मौजूद हैं हम पर बहुत सारे आदाब लागू होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे हुकूक़ हैं या हमारे फ़राइज़ हैं। जितने भी हुकूक़ और फ़राइज़ हैं वो सारे के सारे अदब हैं। एक इंसान का अपने खुदा के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने नबी के साथ भी एक अदब है, उसके भी कुछ तकाजे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अभी जब हम आ रहे थे, मैं सुबह जब काम पे आ रही थी तो पाकिस्तान PTV एंटर होने से पहले एक गाड़ी सामने जा रही थी, तो मेरे साथ जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं छोटे भाइयों की तरह खुरम, तो मैंने कहा बेटे ये देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, कहते जी आप ही उसे मिस हो गया। मैंने कहा लिखा हुआ है विद एवरी राइट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर हक या हर चीज जो भी आपकी लाइफ में आती है उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हम राइट्स तो मांग लेते हैं लेकिन हम रिस्पेक्ट नहीं देते और उनकी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करते। यही है अदब। यू नो हमें माँ बाप चाहिए ताकि हमारे सर पे छत भी प्रोवाइड करें, हमें गाड़ी भी लेके दें, हमारी महंगी से महंगी जगहों पे पढ़ाएं, हमारे सारे शौक पूरे करें, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां होती है माँ बाप की तरफ वो हम बड़े आराम से भूल जाते हैं, वो ज़रा साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, अदब की बात हो रही है तो हो ही नहीं सकता कि खान साहब आपसे बात मैं ना करूँ, क्योंकि अभी जब आपके दादाजी की बात हुई उस्ताद संतू खान की तो आपने एकदम से ना अपने कानों को हाथ लगाया जी। ये भी एक अदब का अदब है, बिल्कुल। तो मौसीकी की दुनिया में और स्पेशली कव्वाली में तो बहुत ज़्यादा अदब का एलिमेंट होता है, कुछ इस पर तबसरा करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, आप इतनी जैद शख्सियात के दरमियान मुझे गुफ्तगू का मौका इनायत किया और ये मैं समझता हूँ कि बेद भी है कि इनकी गुफ्तगू मैं इनके आगे क्या मिसाल पेश कर सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे मधु किया, सवाल किया तो मैं मेरा हक बनता है कि मैं जवाब दूँ। मेरे दादा उस्ताद संतू खान साहब जी, हमारे घरानों में शॉर्ट करूँगा कि हम कहते हैं कि तीन चीज़ें हमारी काम को उजागर करती हैं या इसमें बरकत डालती हैं या हमें नाम या शोहरत अता करती हैं। सबसे पहली बात है के मेहनत जी, फिर उसके बाद लगन, हाँ। फिर उसके बाद दुआ। तो हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि बेटा इसमें सिर्फ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो दुआ है, हाँ। और दुआ अदब से मिलती है।
आप अदब करेंगे, दुआ आप आम फहम बात है, लोग बहुत मिसल आम है कि बेटा दुआ ली जाती है, हाँ, हाँ। खरीदी नहीं जा सकती, कोई देता नहीं है, ली जाती है, और लेते आप कैसे हैं आप उसका अदब करके। तो हम कानों को इसलिए यहाँ पे हाथ लगाते हैं, ये हमारा एक कि हमारे यहाँ जब शागिर्दी होती है बुज़ुर्गों की, तो वो हमें ना, हम पंजाबी में हकों का हमारे अपने एथिक्स हैं, हमारे अपनी लैंग्वेज है मौसीकी की जो घरानों की, उसमें वो बड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज है, नॉर्मली किसी को वो बोली भी नहीं जाती और समझ भी नहीं आती। उसमें कहते हैं कि अभी वो थापड़ा होता है हमारे यहाँ, हाँ जी। तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के नाम हुए हैं, नाम और शख्सियत में अभी टाइम कम है, तो लेकिन उनके उस्तादा जब शागिर्द हुए हैं तो ज़्यादा देर तक वो हयात नहीं रहे, चंद माह सीखा है, लेकिन वो जो थापड़ा है ना, उस दुआ ने काम किया है और उनके अदब ने उनके साथ, अदब सारी जिंदगी करना पड़ता है। तो वही तो, यही तो बात है जिसके ऊपर हम इसलिए आज फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो पहले शो का नाम जब मॉर्निंग विद जुगन था, तो इसी चीज़ के ऊपर हमारा बार बार फोकस होता था। आपको याद होगा, तरबियत तरबियत तरबियत, तालीम तो हासिल कर ही लेता है इंसान। तालीम वो चीज़ है जो आप 70 साल की उम्र पर भी हासिल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तरबियत क्या बात, माँ की गोद में शुरू होती है और बाप की गोद में। आई एम सॉरी, मैं इस चीज के साथ नहीं एग्री करती कि सिर्फ माँ की गोद में, बाप और माँ की गोद में आती है। माँ बहुत बाद बहुत सारी चीजें सिखा रही है, बाप गालियां निकाल रहा है, या बाप जो है वो बहुत लाड प्यार से और बहुत रिस्पेक्टफुल है, और माँ जो है वो गुस्ताखियां कर रही है। ये जो एक चीज है ना कि औरत सिर्फ मजलूम है और मर्द जो है वो बुरा है, ये भी गलत मेंटेलिटी है। क्या बात, बात यह है कि कोई एक शख्स जो है मामला खराब कर सकता है आपकी अगली सारी जनरेशन का। जनरेशन से ख्याल आया कि अगली जनरेशन तभी बढ़ेगी जब कुछ खाएगी पिएगी, तो किचन में मेरा बेटा क्या सिचुएशन है। आपने हमारे साथ कढ़ाई की रेसिपी अभी तक नहीं शेयर की, और ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है, इसलिए मुझे बताइए कि आज हमारी जो कढ़ाई की रेसिपी है वो क्या है। हमारी कुछ रेडी हो चुका हुआ है, रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, चिकन कढ़ाई की रेसिपी है, आपने 2 किलो चिकन ले लेना है, 2 किलो चिकन ले लेना, उसके बाद आपने 1 किलो टमाटर ले लेना है। पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको उसकी डिटेल बताऊँगी रेसिपी की। आपने 1 किलो टमाटर ले लेना है, उसके बाद आपने 2 चम्मच खाने के चम्मच आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है, साथ आपने वो धनिया 1 गट्ठी ले लें आप, और साथ आप ले लें 5 अदद हरी मिर्चें। आपने अब इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, आपने नमक हसबे जायका और साथ लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच आपने लेना है हल्दी, 2 खाने के चम्मच आपने इसमें डालने हैं, कढ़ाई गोश्त का डाल सकते हैं, साथ 1 लाल वो काली मिर्च आप 1 चाय का चम्मच डाल सकते हैं, और 350 ग्राम आपने ऑयल ले लेना। अब इसको पकाने का जो तरीका है वो बहुत इजी है, आपने ऑयल गर्म कर लेना है, उसमें प्याज आप टमाटर आपने काट के डाल देने, उसको फ्राई कर लेना, उसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना। इसको आपने फ्राई करने के बाद उसमें चिकन ऐड कर देना, साथ आपने उसका जो फ्राई करते रहना ताकि इसका जो है ना ब्लड जो है वो ड्राई हो जाए। फिर आपने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देने। अच्छा, फिर इसको भूनना। ये भी तो तरीका है कि आप ना छाननी में थोड़ी देर के लिए उसको एक दफ़ा वॉश करके ना चिकन को अगर डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा ड्रेन आउट भी हो जाता है। बड़े लोग ये करते हैं, आपने भी देखा होगा शेफ़, कि उसी वक्त निकाला उसको पैकेट में से और उसको फ्राई कर दिया। हमेशा एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप किसी बोल के अंदर वो जो छन्नी जो होती है उसके अंदर डाल दें तो उसमें से कुछ हद तक वो निकल भी जाता है, राइट? वो भी निकल जाता है, लेकिन जब हम पकाते हैं तो उसके अंदर भी एक जो अंदर ब्लड होता है ना, वो फ्राई करने से ही निकलता है, तो इसलिए हम पहले फ्राई कर लेते हैं ताकि बाद में ये चीज़ें ऐड करें, वो इसमें फिर मिक्स ना हो। फिर इसके आपने पूरा उसको भून लेना अच्छी तरह, फिर इसमें आपने कर लेनी दही ऐड, आपने 350 ग्राम दही ऐड कर लेनी है, और साथ आपने इसको अच्छी तरह भून के इसको प्रेजेंटेशन कर देनी, उसमें धनिया और अदरक डाल के जो भी आपने प्रेजेंटेशन। अच्छा, हमारी डिजर्ट भी रेडी हो गई है। वो भी रेडी हो गई है, वो फ्रिज में भी ठंडी हो रही है, वो ठंडी हो रही है, तो और उसके बाद खा लेना है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा को सिर्फ इस चीज से गर्ज होता है कि किचन में क्या बन रहा है। बिल्कुल, जाहिर है, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा मैं तो खा के जाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है यहाँ खाना। आपको पता है सुबह से लेकर रात तक मैं बनाती रहती हूँ, फिर हम शेफ को कह देते हैं कि तुम ऐसे दिखाओ कि जैसे बना रही हो। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मुझे कल हमारी शेफ घूम के कहती आप बना लेती है खाना, मगर 3 बच्चे हैं, मेरा मियाँ भी मेरे बच्चों की तरह है, फिर आई हैव 2 स्टेप किड्स माशाल्लाह, अडॉप्टेड सन आल्सो, तो बहुत से जब बच्चे जिंदगी में हो तो उसके साथ हांडियाँ भी फिर बहुत सी पकनी पड़ती है। इस मतलब अल्लाह का शुक्र है, कुक है, सारा कुछ है, लेकिन
बच्चे जो फरमाइश करते हैं ना कि मामा आप बनाएं, अब शायद कोई और या रेस्टोरेंट से 100 गुना बेहतर जायके का आ जाएगा, बस वो एक लाड होता है कि आप बनाएं। अच्छा, बच्चों की अगर बात हो रही है तो डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी इसी सवाल को लेके जाऊंगी मैं, कि सोशल मीडिया, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया बढ़ रहा है उतना ही अदब का, रवैयों का, एटीट्यूड्स में बड़ा एक वियर्ड सा चेंज आ गया। बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है, और मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये है कि सोशल मीडिया में जब भी जितना मैं वक्त सर्फ करता हूँ उसमें कोई बहुत ही ना दिल बर्दाश्त कर देने वाली चीज़ें सामने आती हैं। हमारा लबो लहजा बहुत तल्ख है, बिल्कुल हम नहीं सोचते हैं कि हमने यहाँ कमेंट करना है या किन मुनासिब अल्फाज में करना है। लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर कमेंट कर रहे हैं, दिलचस्पियाँ ले रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं। ऐसे लोगों के करियर्स पर बात हो गई, वो एक मेल प्रोफेसर जिनके ऊपर इल्जाम सोशल मीडिया पे लगा दिया कि उन्होंने हरासा किया, बाद में पता चला कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर। आप सोचें कि एक इंसान को कितना को मेंटली टॉर्चर उनका तो, और जो उन्होंने आई थिंक लेटर भी छोड़ा उसमें यही लिखा कि भाई मेरी जब फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, बीवी ने, फैमिली ने छोड़ दिया, और मेरा कुछ रहा ही नहीं, अब जिंदगी में क्या दिलचस्पी रह गई है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ जुगन, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी अदब के हवाले से, कि अदब करना दरअसल दूसरों को तस्लीम करना है, क्योंकि हम सब, पहले भी हमने ये बात की कि हम सब मुख्तलिफ नेचर के लोग होते हैं, सलाहितों के लोग होते हैं, तो जब आप किसी को तस्लीम करते हैं, किसी का अदब करते हैं, तो दरअसल आप उसको तस्लीम करते हैं कि आपकी सलाहितों को, आपके किरदार को, आपके ओहदे को, जो कुछ भी अल्लाह ने आपको अता किया मैं उसको तस्लीम करता हूँ। जब हम दूसरों को तस्लीम नहीं करते और हम कहते हैं कि मैं अकले कुल्लू, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे आप सोचते हैं, सोचें, जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको आप पसंद करें, फिर वहाँ पे लड़ाई होती है। और आजकल जो सोशल मीडिया पे सारी लड़ाई है वो इसी बात पे है कि हर कोई दूसरे को जुटला रहा है, वो कहता है जो मैं सोचता हूँ, जिस लीडर को मैं पसंद करता हूँ, जिस कोई इल्मी हो, अदबी हो, जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ आप भी पसंद करें, अगर आप पसंद नहीं कर रहे तो आप गुनाहगार हैं, आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप पे सब कुछ हो रहा है। मैं कभी ख़ुद जब कमेंट करती हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ाहिर इंसान है, हर इंसान में गुस्सा भी होता है सारा कुछ, तो मैं लिखती हूँ, जब मैं कहती हूँ हाय किसी का दिल टूट जाएगा, ये बात नहीं लिखनी चाहिए, तो मैं कोई बंदा बड़ी बदतमीजी भी कर रहा होता है तो उसको मैं लिखती हूँ मोहतरम फला, प्लीज़ आपने ये बात की है, तो ये अगर सोचा जाए कि हम किसी का दिल ना तोड़ें। लेकिन डॉक्टर साहिबा देखें, एज टीचर्स, एज एंड एज समवन जो जिंदगी की, मैं तो यही सो कहती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, मैंने सारी जिंदगी सीखना है। अब आप जैसे लोग जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे, इतने हाई लेवल के लोग होते हैं, कभी ना कभी तो गुस्सा चढ़ जाता होगा। अब बात ये कि आपने स्टूडेंट को कोई बात समझानी है, चले थोड़ी सा आपका लहजा तल्ख हो गया, अगले ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर लगा दी। एक तो अब किसी की तरबियत में अपना हाथ, अपना किरदार ऐड करने में भी अब टीचर्स पीछे हो गए, आते हैं क्लास में पढ़ाते हैं चले जाते हैं, कहते हैं जी हमने नहीं बात करनी, इन्होंने लगा के हमें वायरल कर देना है, हमारे बने बनाए करियर बर्बाद हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज, आज अब जब हम अदब की बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि एक हद तक सोशल मीडिया एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपके घरों में भी, और थोड़ा सा मॉनिटर करें कि आपके बच्चे और आपके फैमिली मेंबर्स क्या लगा रहे हैं, ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जुगन, मैं इसी पे ना एक मिनट की बात करना चाह रही हूँ जो आपने बच्चों के हवाले से कही। मेरे ख्याल है कि इसमें पेरेंट्स का बड़ा किरदार है कि हम जब बच्चों को बिल्कुल ही सोशल मीडिया के हवाले कर देते हैं या बाहर के माहौल के, तो बच्चों की असल जो तरबियत है वो घर से शुरू होती है। तो मैं अपने घर की मिसाल दूंगी कि मेरी बेटी है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्कूल में उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो मैंने उसे कहा कि मैं उसका किसी ने लंच खा लिया, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगी, उनके नहीं मैडम, नहीं मामा, वो उसकी बेइज्जती होगी, वो फील करेगी, मैं उसे खुद ही समझा दूंगी, हो सकता है आइंदा वो ठीक हो जाए। तो मेरे ख्याल है कि ये जो बच्चों में इस तरह की चीज़ें पैदा करनी कि दूसरों की इज्जत करें, ये वो घर से सीखते हैं और फिर वो उसको बढ़ाते हैं। तो वालदैन को और खुद माओं को इस तरह में, तो आपकी बेटी ने आपको सिखाया? नहीं वो बिल्कुल, क्योंकि पहले मैंने उसको सिखाया, उसके अंदर वो हमदर्दी पैदा की, और मैं बहुत सारी चीजें उससे सीखती हूँ। अब मैं तो अपनी नीस को क्रेडिट दूंगी, बिल्कुल बहन को नहीं देने वाली क्रेडिट, ये भी बात है ना, फॉर ग्रांटेड। अच्छा, आप क्या पेश करने जा रहे हैं प्यारे भाई? जुमे की मुनासिबत से नाच शरीफ पेश कर रहे हैं, तू कुजा मन कुजा। ओह सुभान अल्लाह, क्या बात। Thank you.
बलगन गुलाबे कमाले ही, बलगन गुलाबे कमाले ही, कशफत दुजाबे जमाले ही, दुजाबे जमाले ही, हसन जमीओ की साले ही, सल्लू वाले है वाले ही, बुआ मेरे हारम मैं फकीरे हजम, और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुम और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा,
जी हाँ व्यूअर्स, शेफ रायमा शेख ने खाना बहुत ही लजीज तैयार कर दिया है। वैसे तो उम्मीद आपसे यही थी और पूरे टाइम पे भी तैयार किया वो परसों कहा था कि क्योंकि हम अपने सारे सेट की चीजें सेट कर रहे थे तो बेचारी रोने वाली हुई थी, कहते हैं कि चूल्हा नहीं था, इतनी मुश्किल डिश दे दी, मतलब ज्यादा दे दी तो वो टाइम तरह कवर नहीं कर पाए, मगर ये क्या इतने मजे की थी कि अभी भी याद है और अभी भी उसका जायका, और वो कढ़ाई बहुत शदीद मजे की लग रही है और मुझे प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी है। ये आपने खा के बताना कैसी है बेटा? फिर ऐमे ही तो आप टिकटॉकर ब्लॉगर और शेफ नहीं है ना, क्या बात है। अच्छा अब फाइनली देखिए कुछ एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने ज़रूरी होते हैं, तो प्रोफेसर डॉक्टर मोइन साहब ये बताइए कि किसी भी बाप का क्या रोल होता है? देखिए हम सारा मलबा बच्चों पर डाल देते हैं, बच्चा बदतमीज है, बच्चा गुस्ताख है, बच्चा बच्चे में बिल्कुल अदब का कोई आंसर ही नहीं है। जी हाँ। आया कहाँ से ये सारा कुछ, ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आए? जी जुगन, एक तो आपने जो बात की थी वो बड़ी अहम है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं, दोनों के हुकूक हैं और दोनों के फ़राइज़ हैं। हमारा दीन भी हमें ये बात बताता है, कुरान करीम में और हदीसों में जहाँ कहीं भी बच्चों की तरबियत का जिक्र आया है वहाँ माँ बाप को इकट्ठा रखा गया, हुक्म भी किया गया ना कि वबिलवालिदैन एहसाना, तुम अच्छाई नेकी एहसान करो माँ और बाप दोनों के साथ। फिर जो हमारे पैगम्बरों ने दुआएँ मांगी हैं उसमें और जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं वो ये है कि जी कमा रब्बयानी सगीरा, इन पर ऐसे रहम करो मेरे माँ और बाप पर जैसे इन्होंने मुझे बचपन में पाला। अब अरबी में जब हम रब कहते हैं ना तो रब का मतलब रब्बुल अरबाब तो खुदा का नाम है जो उसकी नुमाइंदगी के तौर पर अपने हुकूक और फ़राइज़ अदा करते हुए खाना खिलाता है, जिस्मानी परवरिश करता है, जहनी नफसियाती रूहानी और दीनी परवरिश करता है और तरबियत करता है, वो माँ और बाप दोनों हैं। माँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होता है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है बाप पर। बाप एक एक अलामत है, यूँ समझ लीजिए हमारे माशरे में एक ताकत की अलामत है, हौसले की और हिम्मत की अलामत है। उसने अपनी अमली ज़िंदगी में जाना है और देखना है, तो माँ के साथ साथ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एक मजबूत आदमी बनाने में मदद करे, दोस्त के तौर पर काम करे, उनके साथ मशवरे से चलें और रहनुमाई हर लम्हे उनको दे। और बात ये है कि बाप को खुद आगे बढ़ के ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। जी हाँ, सोसाइटी ट्रेडिशंस एक सेपरेट इशू है। जी मुख्तसर सी बात, वक्त कम। जी बहुत शुक्रिया जुगनू, मैं समझती हूँ कि ये जो बच्चों के हवाले से माँ की जो जिम्मेदारी है, अगर हम ये कहते रहे कि बेटा झूठ ना बोलो, ये करो वो करो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि बच्चा जो कुछ देखता है उस पर अमल करता है। तो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिस तरह आपने कहा कि मैंने अपनी बेटी को कभी वो टीच करने की कोशिश नहीं की कि उसको मैं कहूँ कि ऐसे करो वैसे करो, बल्कि करके दिखाया है शुरू में। जब आपको पता है कि जब एक एक औलाद हो तो बड़ी वो लाडली भी होती है और वो समझती है मैं सारी दुनिया से निराली हूँ। तो एक दफ़ा मैं इसको एक कोई बाहर मांगने वाले आए तो मैं उसको उठा के ले गई साथ, मैंने कहा बेटा इसमें और तुम में कोई फ़र्क नहीं है, बच्चे में तुम मेरे घर पैदा हुई हो और तुम्हें सहूलतें हैं कि मैं तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी है जॉब करती है, लेकिन खुदा की नज़र में तुम्हारी और उस बच्ची की हैसियत एक जैसी है। अच्छा उसके बाद मेरी बेटी ने ऐसा उसको लेसन उसको पल्ले बांधा है कि वो जब किसी ने आना तो उसने जो फ्रिज में से मिठाइयाँ पड़ी हैं उठा के ले रही है, जाके दे रही है चीज़ें उनको। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं अपनी बच्ची से सीखती हूँ कि वो कहीं भी कोई गलती मुझसे हो जाए तो मुझे कहती नहीं मामा उसका उसको हर्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो हमें माओं को खसूसा हर अपने अमल के वक्त याद रखना चाहिए कि उसका बच्चा उसको देख रहा है और वो सोच रहा है कि क्या बात है। व्यूअर्स एक आखिरी बात पे शो को क्लोज करेंगे और कलाम सुनते हुए जाएंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ का, आपकी मोहब्बत का, और आप लोगों के बगैर पहला वीक मॉर्निंग एट होम का विद जुगन काजिम हो नहीं सकता था। तो जब अपने पुराने और अपने बहुत ही प्यारे साथी आपके साथ हों तो आपके लिए एक ऑनर होता है। तो व्यूअर्स आई होप कि ये जो तीन दिन हमने शो किया आपको पसंद आया, अपनी फीडबैक और अपनी जो भी आपकी क्रिटिसिज्म है आपका, आप जो चीज़ें देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा लगा बुरा लगा सब शेयर करें, क्योंकि यही वक्त है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करके इवॉल्व करके आपके सामने वैसा शो लेके आएं जो आप चाहते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, कॉल करके भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। अब आज के शो को क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी मॉर्निंग एट होम में एट 10 AM
पीटीवी ग्लोबल एंड पीटीवी होम के व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत सी दुआएं। शो को क्लोज करेंगे अपने प्यारे भाई के साथ और उनके बहुत ही प्यारे हमनवा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल।